हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों मैं सागर आज आपके सामने फ्रेंड्स नोटिफिकेशन लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में UPSSSC में आपका रिक्रूटमेंट आया है। फ्रेंड्स अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट 10+2 का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया है 2019 का। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने क्या बताया, UPSSSC में उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में आपका रिक्रूटमेंट आया है जूनियर असिस्टेंट 10+2 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की फ्रेंड्स तो 1186 वैकेंसी है। जनरल के लिए 659, एससी का 216 वैकेंसी, एसटी के लिए 29 वैकेंसी और ओबीसी का 282 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं कब से आप ऑनलाइन भरना स्टार्ट कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है 26 जून से और लास्ट डेट कब तक है, तो 20 जुलाई तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस का, फॉर्म भरने में आपको कितने पैसे लगेंगे फ्रेंड्स। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 185 रुपया देना पड़ेगा, एससी एसटी को 95 और पीएच फिजिकली हैंडीकैप को 25 रुपया रहेगा फॉर्म को फिलअप करने में। एज लिमिट का बात करें फ्रेंड तो मिनिमम एज जो है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर कास्ट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, पास होना चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। 10+2 का डिग्री मांग रहा है फ्रेंड्स, आपके पास इंटरमीडिएट का डिग्री होना चाहिए इंडिया का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट मांग रहा है आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए हिंदी में 25 WPM, WPM होता है वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश का 30 WPM मांग रहा है। ओके और CCC एग्जाम पास DOEACC एंड NIELT ये होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इस फॉर्म को UPSSSC के फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के नोटिफिकेशन आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।